काजल राघवानी साफ कह रही हैं कि उनके कैरियर में योगदान अगर किसी ने दिया है तो पवन सिंह ने, उन्हें सुपरस्टार अगर किसी ने बनाया है तो पवन सिंह ने। ये तो आप बात सभी ने सुन ली, लेकिन यहाँ पर काजल राघवानी बहुत डिप्लोमेटिक बातें भी करती नजर आई। अगर खेसारी चाहें तो मैं उनके साथ फिल्में फिर से करूँगी। जी हाँ, यहाँ पर खेसारी के साथ फिल्में करने से इनकार नहीं किया है काजल राघवानी ने। तो वहीं दूसरी तरफ खेसारी ने भी ऑन कैमरा ये कहा है कि वो एक एक्टर है और वो सभी के लिए ओपन है और वो किसी के साथ फिल्में कर सकते हैं। उन्होंने कभी किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को मना नहीं किया है कि वो काजल राघवानी के साथ फिल्में नहीं करेंगे। लेकिन इनसाइड खबरों की माने तो इन दोनों ने एक दूसरे के साथ काम करना तो दूर, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं किया। जहाँ खेसारी लाल यादव जिस पार्टी में होते हैं वहाँ काजल राघवानी कतई नहीं होती, और जिस जगह काजल राघवानी होती हैं वहाँ खेसारी लाल यादव जाना पसंद नहीं करते। जी हाँ, इन दिनों इनकी दुश्मनी जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा मुद्दा बनी हुई है। इनकी दुश्मनी के चर्चे इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में आम हो गए हैं। लेकिन डायरेक्टर पराग पाटिल चाहते हैं कि इनकी करिश्माई जोड़ी हमेशा दर्शकों के सामने रहे, कि इन दोनों की जोड़ी ने कई मैसिव हिट दिए हैं। जी हाँ, जिनमें से मेहंदी लगा के रखना, दुल्हन गंगा पार के जैसी कई बहुत ही बड़ी और संघर्ष जैसी एक बहुत ही मीनिंगफुल फिल्म है। वैसे इन दोनों के फैंस भी नहीं चाहते ये दोनों अलग हों, लेकिन आप तो समझ सकते हैं कब क्यों कहाँ कैसे किसका दोस्त और किसका दुश्मन बन जाए, ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। वैसे जो लोग ये सोच रहे थे कि इन दोनों की जोड़ी को तोड़ दिया जाए, उनके लिए तो भाई इन दिनों चांदी ही चांदी है। लेकिन भाई खेसारी लाल यादव को अपने रिश्तों को जोड़कर देखना और चलना दोनों आता है। हो सकता है इन फ्यूचर ये दोनों फिर एक हो जाएं और हम इस संघर्ष जैसी एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर और मीनिंगफुल फिल्म दें। आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।